खबर वाराणसी से। वाराणसी के श्योपुर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल कोहिराजपुर में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। मौके पर स्कूल के छोटे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वसंता कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर अलका सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का आधार प्यार, उत्साह, सृजन व प्रगति पर आधारित रहा। बच्चों के द्वारा प्रार्थना भाव भक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां की गईं। देखिए हमारे संवाददाता विवेक यादव की रिपोर्ट। मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था क्योंकि इन बच्चों की जो प्रस्तुति से एक अद्भुत अनुभव का एहसास हुआ। सारी प्रस्तुति ऐसी थी जो कि जिंदगी में जो भी हमारी कठिनाइयाँ इस समय हैं उनसे एक लड़ने की क्षमता और शक्ति, जिसको कि हम होलिस्टिक एजुकेशन कहते हैं, तो यहाँ की प्राचार्य और सारे बच्चों ने जो मिल करके इसको तैयार किया है वो निश्चय ही आगे चलते हुए बच्चों का मार्गदर्शन हम सब का प्रेरणा स्रोत है। और जो गलतियां हम लोग ने की हैं एज एडल्ट्स, ये बच्चे उससे अलग हट करके एक बहुत ही सुदृढ़ और अच्छा जीवन अपने लिए भी और पूरे अर्थ के लिए ज़रूर। क्योंकि अभी एग्जाम पास में आ रहे हैं। आज का आयोजन ये जो तीस दो साल के बाद हुआ है क्योंकि कोविड के वजह से स्कूल बंद थे, इसलिए दो साल के बाद अभी इस साल ये थर्ड एनुअल फंक्शन, और इसमें हम लोग शिक्षा के साथ साथ बच्चों को चाहते हैं कि उनका मानसिक आध्यात्मिक विकास, इसलिए हम लोग एनुअल फंक्शन के द्वारा अलग अलग उनकी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करते हैं। काफ़ी बच्चे इस बार यहाँ पे प्रोग्राम में भाग लिए, तो कैसा एक अनोखा उनका अनुभव क्या रहा? क्योंकि इस बार काफ़ी बच्चे प्रोग्राम में भाग लिए और इसमें हमने देखा कि माता पिता की तरफ से भी उनका पूरा सहयोग था कि हमारे बच्चे भाग लें, और यहाँ तक कि लास्ट मोमेंट तक पेरेंट्स आते रहे, पूछते रहे हमसे कि हमारे बच्चे भी उस प्रोग्राम में, और हम कोशिश की कि जितने अधिक से अधिक बच्चे भाग ले तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और भविष्य में अपना जीवन बना सकते। क्योंकि बच्चों को जैसे नेक्स्ट ईयर आने वाला है, एग्जाम का एक समय रहता है, तो इससे कितना एक उन्हें जो है एक तनाव से काफ़ी मुक्ति रहती है, क्या कहेंगे इस पर आप? इसके विषय में मैं कह सकती हूँ कि एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन जब प्रोग्राम ऐसे रखा जाता है, ऐसी नई नई एक्टिविटीज रखी जाती है, तो मुझे उनके ऊपर प्रेशर नहीं दिखाई देता, बिकॉज ये एक्टिविटीज रखने से बच्चों के अंदर एक प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका मिलता है और उसके साथ साथ उन लोग बढ़ते थे। तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि प्रोग्राम रखने की वजह से बच्चों के ऊपर परेशानियाँ हो रही है और उनके ऊपर स्ट्रेस हो रहा है, बट मैं ये कहती हूँ कि जितने एक्टिविटीज हम लोग एक्स्ट्रा रखते हैं उतना ही बच्चों का जो अंदर गुण है वो बाहर आता है और उन लोग पढ़ने में और ज़्यादा। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने अपने हिसाब से प्रोग्राम प्रस्तुत किया, उनको तैयार कराने में, उनको मतलब ट्रेन करने में किन किन परेशानियों का सामना आप लोग को मतलब फेस करना पड़ा? इसमें मैं तो कह सकती हूँ कि उनके जो टीचर्स होते हैं उन्होंने एक पेरेंट्स के समान उन बच्चों को संभाला, हर चीज़ में परेशानियाँ तो बहुत थी, लेकिन
टीचर्स उन बच्चों पर विश्वास किए, हमारा विश्वास था कि छोटे बच्चे भी अच्छे से करें। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी बच्चों को और अभिभावकों को कि उनका सहयोग, बच्चों की प्रतिभा और जो उन्होंने अपना योगदान दिया है वो बहुत ही सराहनीय है, उसके लिए मेरे पास शुक्रिया।